जयंत सिन्हा साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयंत जी, ये फ्लाइट तो लैंड करने का नाम ही नहीं ले रही है, 105 पर है अभी। देखिए आगे क्या होता है, वो तो भविष्य ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, वह यह है कि जन आदेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो है वो दक्षिण में आ गया है, कर्नाटक में आ गया है। जैन जी, ये बात क्लियर है कि वहां की जनता ने आपको सबसे ज्यादा सीटें दी हैं, आपको चुना है, जनादेश आपके साथ है, लेकिन नंबर्स आपके साथ नहीं है। अब ये बताइए, ये नंबर्स किस तरीके से आने वाले हैं? अगर कांग्रेस और जेडीएस एक खिचड़ी की सरकार बनाते हैं, पैनिक मोड में आकर इस प्रकार का गठबंधन करते हैं, जब कल ही और आज सुबह तक इनकी बात चल रही थी कि वो किसी भी हालत में गठबंधन नहीं करेंगे, और आज इस प्रकार से भयभीत होकर पैनिक में आकर ये सरकार बनाने को लग गए हैं और जनता का जो जनादेश है उसके खिलाफ जाने को तैयार हैं, तो चलिए जाएं, क्या किया जा सकता है। लेकिन ये सरकार एक स्थायी सरकार नहीं हो पाएगी। जो जनता विकास चाहती है, जो जनता परफॉर्मेंस चाहती है, वो उसको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा और कुछ ही दिनों में हमारी स्थायी सरकार कर्नाटक में अवश्य बनेगी। जेडीएस के साथ जाने के कोई चांसेस नहीं है, किसी तरह की कोई बातचीत के भी चांसेस नहीं है जयंत सिन्हा साहब? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, आप आगे देखिए क्या होता है, भविष्य में क्या हो सकता है। सर, ये फ्लोर मैनेजमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वोट के टाइम? मतलब जेडीएस से, कांग्रेस से तोड़ तोड़ के एब्सटेन करना, ये सब इसी तरह तो यू विल गेट मेजोरिटी, राइट? स्मिता प्रकाश एएनआई की एडिटर हैं, जयंत सिन्हा जी, ये सब बातें आप कह रही हैं, मैं यही बस कह सकता हूं कि हमें देखना पड़ेगा आगे भविष्य में क्या होता है। अच्छा जयंत सिन्हा जी, व्हाट आर द टेक अवे पॉइंट्स? आपको क्या लगता है ये कर्नाटका के चुनाव क्या बताते हैं, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या है? देखिए कर्नाटक के चुनाव से हम तीन मुख्य बिंदु जो हैं इन्हें हमें समझना चाहिए। पहली बात, जैसे मैंने कहा कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है, इसमें हमारा विजय रथ दक्षिण में आ गया है और लोगों ने स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की राजनीति है, जो हमारा कुशल नेतृत्व है, जो हमारा संगठन है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये पहला मुख्य बिंदु है। दूसरा कि क्योंकि हमारे पास विनिंग कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का, जो विपक्ष है वो एकदम हताशा हो गया है, विपक्ष एकदम पैनिकी हो गया है और वो कुछ भी करने को तैयार है, खिचड़ी सरकार बनाने को तैयार है, कुछ भी समझौता करने को तैयार है। ये भी एक मुख्य बिंदु है जिसको हमें समझना चाहिए। और तीसरा, अगर हम 2019 की तरफ देखें तो 2019 की तरफ मुझे अब लग रहा है कि अब जनता के सामने एकदम एक स्पष्ट विकल्प आने वाला है कि एक तरफ खिचड़ी सरकार जिसका कोई नेतृत्व नहीं है, जिसका कोई विचारधारा नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, एक तरफ वो होगा और दूसरी तरफ हम लोगों की पार्टी है, पार्टी में जो हम लोगों ने काम करके दिखाया है, जो हमारा कुशल नेतृत्व है, जो हमारा संगठन है, ये सब दूसरी तरफ पे होगा। तो अब जनता के सामने ये एक स्पष्ट विकल्प आने वाला है और उस विकल्प का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि फिर हम जनता को प्रमाणित तौर पे बता पाएंगे कि आगे इस देश को ले जाने के लिए, उनको विकास देने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है, कोई खिचड़ी सरकार ये नहीं कर सकती है, ये स्पष्ट हो चुका है। खिचड़ी सरकार आपने नाम दिया। अच्छा जयंत सिन्हा जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और सवाल ये है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपको कितना आत्मविश्वास है कि 105 के साथ कुछ इधर उधर फेरबदल करके आपकी सरकार कर्नाटक में बन जाएगी? जनादेश समझ में आता है, लेकिन सरकार किसकी? इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, आपको मालूम है कि क्या क्या हो रहे हैं, उनको होने दीजिए, कहना इस समय कुछ भी सही नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे ये सब हो रहा है, वैसे वैसे हम लोगों को ये भी समझना है कि इससे हम लोगों को मायने क्या निकालना है, इसका अर्थ क्या है, ये भी बहुत जरूरी है समझना। जयंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।